हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत शानदार इंटरव्यू का जा रहा होगा, क्योंकि हमने इतने सारे रिव्यूज़ डाल दिए हैं आपके फ़ायदे के लिए। आपको आइडिया लग रहा हो किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। आज डे 9 है, गर्ल्स का शायद तीसरा दिन है ना, गर्ल्स का तीसरा दिन है ना, तो तीसरा दिन की रिव्यू देने के लिए हमारे पास आई हैं। बारे में क्या नाम है? आबू जैन है। यस सर। और कितने मार्क्स आए थे आपके रिटर्न में? रिटर्न में 71 था। 71 मार्क्स था। चलिए, जब आज गई हैं आप तो डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीज़ें मांगी गई? सर, ये बर्थ सर्टिफिकेट एंड वो 8th का जो रिसीविंग होता है वो। बर्थ सर्टिफिकेट और 8th का क्या? सीटी। टीसी नहीं, वो मार्कशीट मांगा। घबराई भी, मार्कशीट मांगा होगा ना 8th का। अच्छा, और बस इतना ही? बस आधार कार्ड, हॉल टिकट, ये सब नहीं? नहीं। अरे बहुत बढ़िया, चलो अच्छा है। हॉल टिकट तो वो मतलब मेन गेट पे ही मांगे थे। मेन गेट पे मांगे थे, एडमिट कार्ड आया था कि एंट्री करने के लिए देंगे वो आपको। उसको अंदर जब गई आप तो साइन करवाया होगा? सर, पहले मतलब गेट पे अंदर गई थी तो वहाँ पे भी साइन कराए थे लोग और नंबर लिए थे, फादर का नंबर दिया। अच्छा, ठीक है। उसके बाद अंदर इन किए थे, वहाँ पे चेक हुआ था, वो मतलब लिए थे बर्थ सर्टिफिकेट और बस। उसके बाद वहीं पे वेट की थी लाइब्रेरी में। उसके बाद वहाँ से फिर हम लोग सिर्फ गए थे, फादर नहीं गए थे, मैं ही अकेली गई थी अंदर। तो वहाँ पे रूम नंबर 6 में बैठाए थे लोग, फिर वहाँ पे भी एक साइन कराया था लोग। उसके बाद रूम नंबर 11 में ले गए थे लोग, फिर वहाँ पे बैठी थी। तो वहाँ से मतलब जिसका नंबर आ रहा था तो उसको बुला रहे थे। फिर उसके बाद आपका नंबर कितने बजे था आपका टर्न आज? 8:30 बजे। तो आया कितने बजे इंटरव्यू का टाइम? 12 बजे अंदर। 12 बजे अंदर गया भाई, बढ़िया। चलिए कोई नहीं, कुछ खावा पी के गया था सर? घर से जो वो नाश्ता करके गए, बस भूख नहीं लगी फिर? नहीं। चलिए, अब सवाल क्या क्या पूछे गए आपसे? अंदर गई थी तो सलाम करके बैठी थी, थैंक यू बोली थी। उसके बाद वो बोल रहे थे कहाँ से आप, तो मैं साइन करने के लिए बोली। इंग्लिश में बात कर रहे थे, हिंदी में बात कर रहे थे? सर, हिंदी में बात कर रहे थे नॉर्मल। तो वो पहले साइन कराई थी, मैम थी और 2 जेंट्स थे लोग, टीचर थे। वो बोले थे कहाँ से आप, तो मैं बताई थी बिहार से। तो बोले थे बिहार में कहाँ से, तो मैं बोलते बिहार में वेस्ट चंपारण था। तो वो मैं फंसी थी वेस्ट चंपारण से, एक ही थी मैं। तो वो बोले थे अच्छा आप ही एक आई हैं वेस्ट चंपारण से, बाकी तो सब तो दूसरे जगह से हैं। तो इतना हो गया था। उसके बाद वो बोल रहे थे भोजपुरी तो बोलना आता होगा आपको, तो मैं बोली सर आता है। तो बोले आपने आपको इंट्रोड्यूस कीजिए भोजपुरी में, तो मैं भोजपुरी में इंट्रोड्यूस की थी अपने आप को। तो वो एक टीचर थे, वो बोले थे ये भोजपुरी लैंग्वेज है, तो मैं बोली थी यस सर भोजपुरी है। तो बोल रहे हैं नहीं मुझे तो नहीं लग रहा है। तो एक और टीचर थे, तो वो बोल रहे नहीं भोजपुरी है, सही है। तो वो बोले थे अच्छा आप मतलब आवाज़ से समझ पा रहे हैं कि ये लोग बोला ना, बिहार वाले ही लोग बोलते हैं अपन, है ना कि तो बोल रहे हैं आप बिहार से, तो वो मतलब बिहार में जो भोजपुरी मूवी होती है वो तो आप देखी होंगी। तो मैं बोली थी सर देखी हूँ। तो बोले एक्टर का नाम बताओ, तो मैं मिस्टर वो मनोज तिवारी बोलते थे, मनोज तिवारी का वो नाम बता रहे थे। तो मुझे पता नहीं था क्योंकि वो ओल्ड है ना, मैं नहीं देखी थी इनका। तो महुआ है एक बहुत फेमस, पवन सिंह का नाम बताई थी और खेसारी लाल यादव का, बस इतना ही बताई थी। उसके बाद पूछे थे, उसके बाद मुझे डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है और फोटोसिंथेसिस क्या होता है। उसके बाद वो 26 जनवरी को मतलब हिंदी में क्या कहते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूछ रहे थे। तो मैंने मना कर दिया था सर, इससे रिलेटेड नहीं पता। पहले मना कर दिया। आपने एम क्या बताया? सर डॉक्टर। पॉसिबिलिटी है सर, कुछ भी पूछा। हॉबीज में क्या बताया था? कुछ भी नहीं पूछे थे लोग। हाँ ठीक है, चलिए अच्छा है। थक के बोल कर आ गए। कैसा लगा? तो मुझे लग रहा है कॉन्फिडेंट आया था एकदम मस्त। यस सर, सही था सब कुछ। सही था। अच्छा ये बताओ मुझे कि इमेज क्लासेस से कैसा रहा जर्नी? सर अच्छा था, बहुत अच्छा था। कब से ज्वाइन किया था, कौन सा बैच? सर बैच नहीं, सिर्फ इंटरव्यू के लिए आई हैं आप, तो इंटरव्यू में कैसा लगा आपको? सर इंटरव्यू तो अच्छा था, इसलिए तो इतना कॉन्फिडेंस लिया, इसलिए तो इतना अच्छा बोल के आए। चलिए अच्छा है माशाल्लाह, ठीक है। आप कुछ बोलना चाहेंगे, कैसा लगा माइक? तो इसका भी जो हुआ था तो आप ही के यहाँ से हुआ था सर? ये हमारे वक्त में भी था। सिक्स क्लास में इंटरव्यू तो आप ही के यहाँ से हुआ था सर। अभी आप कौन से क्लास में? 10th क्लास में सर, मिंटो सर्किल में। अब 10th में मिंटो पहुँच गए? जी, क्या बात है माशाल्लाह। 4 साल हो गए जी, पहले से जानते हैं आपके बारे में। तो हम लोग तो बिंदास रहते हैं कि वहाँ नवाब सर तो यही है। हाँ जी, वहाँ से जो होगा बेहतर होगा इंशाल्लाह, पूरा उम्मीद करने की कोशिश करते हैं। जी, चलिए ठीक है, थैंक यू। इंशाल्लाह हो जाए इंशाल्लाह। 71 मार्क्स पॉसिबिलिटी है जी। अभी हमारे पास 78 मार्क्स, हमारी क्लासरूम की बच्ची है जी, है ना। अभी जस्ट उसका मैंने इंटरव्यू रिकॉर्ड किया है जी। हमारे बैच की थी 78 मार्क्स हाईएस्ट जी सर। बॉयज़ में भी हाईएस्ट मार्क्स इमेज क्लासेस की हैं और गर्ल्स में भी हाईएस्ट मार्क्स इमेज क्लासेस की है। जी, ठीक है। और पहले भी हम लोगों ने हाईएस्ट मार्क्स दे रखे हैं। अब 6 के लिए तैयारी करना रहा सबसे छोटा बेटा का, तो बात कर लेंगे अभी। कब से बैच शुरू कर लेंगे? आप जाकर के काउंसलर से बात करें जी। ठीक है, चलिए। अस्सलाम वालेकुम।